गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स मींस एक्सरसाइजेस ऑफ लेसन नंबर 5. ओके, क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस लेसन नंबर 3 एंड टाइटल इज लेट्स बी क्लीन एंड हेल्दी. ओके, सो ऑलरेडी यू नो दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑल द पॉइंट्स and all the topics as well as the sub topics of this lesson. Okay, so actually the main points means the main portion of this lesson I want to describe here, I want to explain here in a brief. So listen this video very carefully. Actually in this lesson, so first topic is given there, keeping our surrounding clean. Okay, आपको अपने सराउंडिंग जो है आजू बाजू का परिसर, ठीक है ना, आपके घर के आजू बाजू का या फिर जहाँ भी आप वर्क करते हो, टहलने जाते हो, ठीक है ना, तो वो सराउंडिंग आपको क्लीन रखना है. सो हाउ यू कैन क्लीन इट योर सराउंडिंग एंड हाउ व्हाट आर द मैन्यूअल्स आर देयर. सो विद द हेल्प ऑफ फ्यू पॉइंट्स मीन्स इन योर टेक्स्ट बुक, जस्ट ऑब्जर्व इन योर टेक्स्ट बुक, देर आर फ्यू पॉइंट्स. सो जस्ट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग्स इन योर डेली लाइफ. ओके, सो फर्स्ट इज गिवन हियर, नेवर लिटर्स. ओके, देन सेकेंड, रिड्यूस एंड रिसाइकल. नंबर 3, रिड्यूस. नंबर 4, डिफरेंटेट द गार्बेज. ओके, दीज आर द पॉइंट्स मीन्स विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग्स यू कैन टेक द क्लीनलीनेस among the surroundings. So that is the important things we have already discussed in the first videos of this lesson. Okay, then next one is actually use public transport. Okay, instead of bike or car, public transport every time you have to travel, ठीक है ना, आपको traveling करना है public transport से. Then next, say no टू पॉलीथीन बैग्स, ठीक है ना. अभी हाल ही में पॉलीथीन बैग्स के ऊपर में बैन आया था, सरकार ने बैन लगाया है, ठीक है, बिकॉज दी एक्चुअली पॉलीथीन वॉट इट इज डूइंग, सो बीड गुड बाय द प्लास्टिक बैग्स, यूज जूट क्लॉथ और पेपर्स बैग्स. इनकरेज पीपल इन योर फैमिली टू यूज इको फ्रेंडली बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ठीक है. आपके जो सराउंडिंग में या फिर आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी पीपल्स हैं, ठीक है ना, तो उनको इंकरेज करो, उनको बोलो कि प्लास्टिक बैग को अवॉइड करना है, पेपर बैग का यूज करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग पे या फिर एटमोसफेयर पे उसका इफेक्ट होता है, और इसीलिए जो प्लास्टिक बैग्स है उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना. देन नेक्स्ट, रिड्यूस द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लायंस, ठीक है ना. देन स्टॉप यूजिंग पेपर प्लेट्स एंड प्लास्टिक, चूज रियूजेबल ओवर डिस्पोजेबल. ओके, इंस्टेड ऑफ बाइंग वाटर बॉटल्स, टेक योर ओन वाटर बॉटल्स अलॉन्ग विथ यू गो आउट, ठीक है ना. ये सारी चीजें, ये सारी खबरदारी आपको बरतनी है, आपको कीपिंग योर आवर सराउंडिंग क्लीन, ये जो मेन पॉइंट में जो टॉपिक दिया है, इसके इसके अंतर्गत आने वाले क्या है, सब टॉपिक या पॉइंट्स हैं जो कि आपके बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ समझना है, ठीक है ना. देन नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन हियर, टाइप्स ऑफ डिसीजेस. एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द देर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजेस मीन्स कम्युनिकेबल एंड सेकेंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. ओके, सो कम्युनिकेबल मीन्स एक्चुअली इट इज स्प्रेड बाय कनेक्टिंग, ओके, ईच अदर. अगर आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, संपर्क में आते हो, एक दूसरे के संसर्ग जन जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसके संपर्क में आते हो, उसके सराउंडिंग में आप रहते हो ज़्यादा देर, तो आपको ये जो डिसीज है उसकी लागन हो सकती है, या फिर आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हो, ठीक है ना. सो दीज आर द कम्युनिकेबल डिसीजेज मीन्स एक्चुअली कॉज बाय द इन्फेक्शन. ये कैसे होते हैं, इन्फेक्शन का इन्फेक्शन जस्ट लाइक फंगी. ओके, फंगी जो एक डिसीज है यानी खुजली, तो ये कम्युनिकेबल माना जाता है. क्यों? क्योंकि एक दूसरे से इजीली स्प्रेड होता है, ठीक है ना, आपके संपर्क में या फिर आपके साथ
जो भी गाइड रहते हैं, जो भी पर्सन या फिर व्यक्ति आपके साथ रहेंगे तो उनको इजीली स्प्रेड होता है। देन निजी इंग्लिश सीखना, ठीक है ना, उससे अरे ये है कम्युनिकेबल डिसीज। यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में, जैसे एनिमल और अदर सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंट सच एज एयर वाटर एंड फूड। मीन्स ये किससे होते हैं, एयर वाटर और फूड, यानी हवा में भी जो उसके बैक्टीरियाज है या फिर वायरसेस है, ठीक है ना, वो फैले हुए रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको प्रिकॉशन, ठीक है ना, सावधानी रखना है, वियरिंग द मास्क, यूज योर हैंडकरचीफ, ओके, यूज सैनिटाइजर्स एंड ऑल द थिंग्स, बिकॉज इट इज मेड फॉर योर सेफ्टी। किसके लिए बनाए गए हैं, आपके सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, जिसका आपको पूरी तरह इस्तेमाल करने हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ओके, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉन कम्युनिकेबल मीन्स इसका मतलब होता है कि ये इजीली ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है ना। ये ऐसे डिसीज है, ऐसे रोग है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिटेड नहीं होते, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नाउ दीज आर द कॉज बाय सम डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू द लाइफ स्टाइल, ठीक है ना। एक किससे होते हैं कि कुछ कमतरताएं होती है, ठीक, अभाव जिसको बोलते हैं, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं या फिर कुछ छोटे बच्चे, चाइल्ड्स की बात करते हैं हम, जिनका पूरी तरह ग्रोथ नहीं होती, विकास नहीं होता, ठीक है ना। उनकी जो बॉडी है, बॉडी से फिटनेस से बहुत सारे रिलेटेड डिसीज होते हैं, डायरिया होती है, ठीक है ना। तो पोलियो मीन्स बचपन में ही पोलियो हो जाना, तो ये क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स की जो डिफिशियंसी है, कमतरता है, उसके अभाव से ये डिसीज जनरली होती है, ठीक है ना। आगे देखेंगे कि बैड हैबिट्स, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, एलर्जी, फिजिकल एंड केमिकल इंजरीज एटसेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। नाउ डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, अस्थमा, एनेमिया एटसेट्रा आर सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये क्या है, एग्जाम्पल्स है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से। ये क्या है, संसर्ग जन्य रोग नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ स्प्रेडिंग बाय द कनेक्ट वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो दैट इज द डिफरेंट बिटवीन द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज गिवन हियर, कॉजेस ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है ना। अभी कम्युनिकेबल डिसीज कैसे फैलता है, उसके पीछे कारण क्या है, रीजंस क्या है, ठीक है ना। अभी इसके रीजंस आपको चार पॉइंट में दिए गए हैं, जैसे बैक्टीरिया कॉज डिसीजेस सच एज प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स, ओके। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो बैक्टीरियाज है, ठीक है ना। बैक्टीरिया जैसे हवा में, पानी में, जिसको पानी पीते हैं हम और हम हवा से ब्रीदिंग लेते हैं, ठीक है ना, सांस लेते हैं, तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है ना, हमारे जो एटमोसफियर है वातावरण में। तो वो क्या होते हैं कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, या फिर जो नीडेड थिंग्स थे, ठीक है ना, हमारे लिए जैसे बेसिक नीड्स मीन्स एयर, वाटर एंड फूड, तो इसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करते हैं, जिसका परिणाम हमारे बॉडी पे होता है, इफेक्ट बॉडी पे होता है, और कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। सो दैट इज द बैक्टीरिया, भी बैक्टीरिया इज वन ऑफ द मेन रीजन, ओके। देन आफ्टर दैट नंबर टू, प्रोटोजोन्स पैरासाइट कॉज डिसीजेस सच एज द मलेरिया, स्लीपिंग, सिकनेस, एमोबिक डाइजेस्ट्री एटसेट्रा, ओके। प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स कॉज, ये प्रोटोजोन पैरासाइट जो है वो किसके लिए कारणीभूत करता है, कि इसमें जैसे देखते हैं कि डिसीजेस सच एज मलेरिया, जैसे मलेरिया ये जो रोग है उसमें जनरली ये जो वायरस है, ठीक है ना, उसका प्रोटोजोन पैरासाइट्स, इससे मलेरिया होता है। स्लीपिंग सिकनेस यानी आपको नींद नहीं लगना, ठीक है। देन फंगी कॉजेस रिंगवॉर्म्स एंड कैंडिडियस, ओके। जो फंगी है, फंगी मीन्स एक्चुअली खुजली हो जाना, जैसे छोटे छोटे जो फुंसियाँ होती है स्किन के ऊपर, ठीक है ना, तो ये जो है रिंगवॉर्म्स से होती है, किससे, रिंगवॉर्म्स से। और इसीलिए जैसे एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे के संपर्क में आता है तो इसको इजीली जो फंगी रोग है जिसे हमें स्प्रेड होता है, ठीक है। जैसे एक किसी को है तो दूसरे दिन वो अगर उसके साथ बैठा है, उसके कंपनी में अगर कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको भी दूसरे दिन वो फंगी रोग लग जाता है। और इसीलिए ये क्या है,
कि स्प्रेडेबल या फिर कम्युनिकेबल डिसीज इसे कहा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन गिवन हियर द पॉइंट, वायरस कॉज इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, चिकन पॉक्स, डेंगू एक्सेट्रा, ठीक है ना। डेंगू है, चिकन पॉक्स है या फिर एड्स है, तो एक किससे फैलता है, वायरस से, ठीक है ना। जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एड्स है, ठीक है ना, ये भी वायरस से फैलते हैं। अभी जैसे हम कोरोना है, ठीक है ना, वो भी वायरस के थ्रू फैलता है जो डिसीज। तो ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है, में से ये छींकने से या फिर एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ज़्यादातर अब प्रिकॉशन के ऊपर में सावधानी जो है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर अभी ज़्यादातर फोकस कर रही है। उसके पीछे वही रीज़न है कि अगर आप जितना डिस्टेंस रखोगे आप खुद को उतना सुरक्षित रखोगे, ठीक है ना। नाउ द प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स आर हियर, अभी उसके उपाय क्या है, ठीक है ना। जैसे हमने डिसीज में देखे कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेबल डिसीज। नाउ द प्रिवेंटिंग मेजर्स, व्हाट आर द प्रिवेंटिंग मेजर्स, सो हियर इज ऑल्सो इन योर टेक्स्ट बुक, इट इज एक्सप्लेनिंग बाय द पॉइंट्स। एक्चुअली हियर इज फर्स्ट पॉइंट इज हियर, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कम्युनिकेबल डिसीज विच कैन बी अफेक्ट अदर्स, स्टे होम टिल यू आर प्रॉपरली क्योर्ड, ठीक है। जब अगर आप कम्युनिकेबल डिसीज से ग्रसित हो, ठीक है ना, इन्फेक्टेड हो, तो सबसे पहले आपको क्या प्रिकॉशन रखना है कि आपको घर में सुरक्षित रखना है, ठीक है। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, क्योर नहीं हो जाते, आपको क्या करना है, घर में ही बैठना है, आपको इधर उधर किसी के संपर्क में नहीं जाना है। जैसे कि जो आपके आप जिस डिसीज से ग्रसित हो तो उनको भी वो डिसीज से अफेक्टेड, अदर पर्सन अफेक्टेड हो, ऐसी एक्टिविटी आपको नहीं करना है। खुद को ही जब तक आप क्योर नहीं हो जाते, पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, आपको घर में ही रहना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, कवर योर माउथ व्हाइल स्नीजिंग एंड कॉफिंग, ठीक है। जब भी आपको छींक आती है आपको क्या करना है, अपने माउथ को मुंह को कवर करके रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, वॉश हैंड मोर ऑफन एंड थ्रूली, ठीक है, थ्रूली। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई एक्टिविटीज करते हो, कोई टास्क करते हो, कोई काम करते हो, उसके बाद आपको हैंड वॉश करना है, ठीक है, नीट एंड क्लीन हैंड वॉश करना है, बिफोर मील यानी खाने के पहले और खाने के बाद, ठीक है। जैसे जो भी टास्क करते हो, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो काम करते हैं या फिर गैरेज वाले, ठीक है, तो डायरेक्टली कभी कभी कोई पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगी तो डायरेक्टली खाते विदाउट हैंड वॉशिंग, ओके। तो दिस इज़ अ बैड हैबिट, वो जो आपको आपकी स्किन से आपको हैंड को जो बैक्टीरिया लगे हैं डायरेक्टली आपके स्टमक में जाने की या फिर इंसल्ट होने की चांसेस रहते हैं। और इसीलिए सबसे पहले जब भी आप मेडिसिन लेते हो या फिर जैसे डॉक्टर, फॉर एग्जांपल डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं कि पेशेंट को चेक करने के बाद या फिर जैसे वेटरनरी डॉक्टर, वो क्या करते हैं, एनिमल्स को दवा देने के बाद प्रॉपरली हैंड वॉश करते हैं। सो दैट इज़ द गुड हैबिट, ठीक है। तो आपको भी हैंड वॉश की जो गुड हैबिट है खुद को लगाना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव इफ यू हैव सम स्किन इन्फेक्शन, अवॉइड टचिंग द रैश एंड ब्लिस्टर, ठीक है ना। अगर आपको कुछ स्किन इन्फेक्शन है, जैसे फंगी जैसे कुछ इन्फेक्शन है, तो आपको क्या करना है कि अवॉइड टचिंग, किसी को टच करना अवॉइड करो सबसे पहले बात तो, ठीक है ना। क्योंकि खुजली या फिर ईचिंग या फिर फंगी जो है, ये किसी के अगर आप संपर्क में, ज़्यादातर लोगों के संपर्क में आओगे या फिर उनको टच करोगे, डेफिनेटली वो क्या होगा, स्प्रेड होगा, बढ़ेगा या फिर फैलेगा। और इसीलिए आपको खुद को पहले क्योर रखना है, सुरक्षित रखना है, किसी को टच नहीं करना है, ठीक है ना। आपको टचिंग जो प्रोसेस है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। द नेक्स्ट वन गिवन हियर, डोंट शेयर योर वाटर बॉटल एंड हैंड टॉवल्स विद अदर, ठीक है। आपको अपना वाटर बॉटल या फिर हैंड जो वाटर बॉटल या फिर टॉवल्स जो है, ठीक है, जिसको आप घर में यूज करते हो, उसको शेयर नहीं करना है।
जनरली स्टूडेंट क्या होते हैं कि सम टिफिन्स देयर फूड स्नैक्स दे शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स ओके इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या करते हैं उनका जो लंच बॉक्स है ठीक है या फिर स्नैक्स जो भी लाते हैं फूड वो शेयरिंग करते हैं। साथ ही साथ घर में भी हम देखते हैं जनरली कि जो टॉवल्स हैं ठीक है ना एक ही टॉवल्स 3 से 4 पर्सन उसको यूज करते हैं। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, एक पर्सनल टॉवल रखना है और शेयरिंग ये जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाना है या फिर प्रिवेंट करना है ठीक है। देन नेक्स्ट वैक्सीन शुड बी टेकन टाइमली ठीक है ना। जैसे आपको वैक्सीन से वैक्सीनेट होना जरूरी है यानी समय समय पे आपको टाइमली वैक्सीन करना जरूरी है। जैसे छोटे बच्चों के लिए पोलियो डोज आता है वो लेना है, रूरल एरिया में अर्बन एरिया में टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ टेबलेट्स स्प्रेड करती है जैसे हफ्ते रोग आता है ठीक है ना। तो ऐसे समय हमको उसको अवॉइड नहीं करना है, लेना है। अगर आप योर इलनेस योर इन इलनेस फ्रॉम द लॉन्ग डे ठीक है बहुत दिनों से आपको बुखार तेज बुखार है फीवर है ठीक है ना तो उस टाइम आपको डॉक्टर के पास जाना है उनसे सजेशन लेना है मेडिसिन लेना है। मीन्स टाइमली ट्रीटमेंट होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है आवश्यक है ठीक है। तो दीज आर द प्रिवेंटिंग मेजर्स। ये क्या है प्रिवेंटिंग मेजर्स है, इस मेजर्स को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो कि आप जो कम्युनिकेबल डिजीज है उससे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हो ठीक है। यू कैन सेव योर हेल्थ बाय अफेक्टिंग द कम्युनिकेबल डिजीजेस ओके। सो दिस इज पोर्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। देन द नेक्स्ट वन कॉमन ह्यूमन डिजीजेस। अभी इसके अंदर हम देखेंगे कॉमन ह्यूमन डिजीजेस क्या होती है ठीक है ना। जैसे हम देखिए नंबर 3 पॉइंट कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, नंबर 2 पॉइंट जस्ट आई हैव एक्सप्लेन हियर। सो नंबर 3 कॉमन ह्यूमन डिजीजेस ठीक है। जैसे कॉमन जैसे हम देखते हैं कि डेली सराउंडिंग में डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे फीवर से इलनेस से वीकनेस है ठीक है ना, ऐसी ये सारी चीज़ें सबको होती रहती है। तो ये क्या है कॉमन चीज़ें हैं ठीक है ना। कॉमन चीज़ें मीन्स एक्चुअली किसी को बुखार आना ये कॉमन चीज़ है, लेकिन उसका एक्चुअली उसमें रिसर्च करते हैं कि किस प्रकार का बुखार है ठीक है ना। उसमें डॉक्टर लोग रिसर्च करते हैं उसका अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या फिर आपका शुगर लेवल ब्लड प्रेशर का हीमोग्लोबिन इसमें अगर कुछ कमतरता दिखती है ठीक है ना डिफिशियंसी दिखती है तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर से सजेस्ट करते हैं और मेडिसिन लेते हैं। तो कुछ आज हम उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कॉमन ह्यूमन डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। जैसे फर्स्ट इसमें दिया है मॉस्किटोज के द्वारा फैलने वाले डिजीज़।